भी फॉर्मूले को हमें याद करना भी फॉर्मूले को हमें याद करना होता है कुछ। इंट्रोडक्शन। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सभी दूर ही भागते थे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं और इन सभी फॉर्मूले को हमें याद करना होता है। कुछ ऐसे भी फॉर्मूले थे जिनका कभी हमने यूज ही नहीं किया, लेकिन स्कूल के दौरान हमसे वही फॉर्मूले याद करने को कहे जाते थे। मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूले होने की वजह से ये सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों को डल लगता था। हम अक्सर अपने मैथ्स टीचर से ये भी पूछते रहते थे कि इन सभी फॉर्मूले का यूज हम अपनी लाइफ में कब और किस जगह पर करेंगे। टीचर हमें यही जवाब देकर तसल्ली दे देते थे कि किसी को नहीं पता कि वो किस फील्ड में अपना करियर बनाएगा। हो सकता है अभी ये फॉर्मूले आपको बेकार लग रहे हों, लेकिन बाद में आप इसका यूज जरूर करेंगे। खैर, मैथ्स टीचर के इस जवाब से हम ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो मैथ्स के कई फॉर्मूले की मदद से ही आज हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। नाम है हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, और इसे लिखा है जॉर्डन एलनबर्ग ने। स्कूल में हमने जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी वो ज्यादातर सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स और रूल्स पर बेस्ड थी। फैक्ट्स ऐसे होते थे जो कि सर्टेन होते थे और रूल्स ऐसे होते थे जिसे हायर अथॉरिटी ने बनाया था, जिसकी ऑथेंटिसिटी पर हम कभी क्वेश्चन ही नहीं कर सकते थे। यानी इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स और फॉर्मूले थे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो क्यों और किस लिए हैं, और हम इन्हीं फॉर्मूले को बिना किसी से क्वेश्चंस किए सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस बुक के डिस्कशन में आपको ये पता चलेगा कि मैथ्स फॉर्मूलाज बेस्ड नहीं है, बल्कि ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है, और उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और लाइफ के किसी भी डिसीजन को लेने में रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। मैथ्स एक साइंस जिसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ मैथ्स पर ही बेस्ड है। आज मैथ्स की हेल्प से हम इस कियोटिक और मैसिव वर्ल्ड के हिडन स्ट्रक्चर को समझेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है जिन पेरेंट्स की हाइट लंबी होती है उनके बच्चों की हाइट उनके इक्वल या फिर कम होती है। आज के इस डिस्कशन में शामिल होकर हमें ये मालूम होगा कि क्यों जो टॉलर पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों की हाइट उनसे कम होती है, एयरपोर्ट पर कितने पहले पहुंच जाना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन रियलिटी में क्या प्रेजेंट करता है, क्यों पैरेलल रेलवे ट्रैक हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं, लॉटरी के टिकट को कैसे जीता जा सकता है, और कितने चांसेस हैं कि आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सफर करें। ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के सरप्राइजिंग आंसर आपको इस बुक समरी में सुनने को मिलेंगे। तो फिर चलिए इस डिस्कशन। लेस लाइक स्वीडन। हम सबको किसी ना किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी एक प्रोसेस होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को सही तरीके से समझना होता है और फिर उसे सिंप्लीफाई करना होता है और एंड में उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूले को सॉल्व करते थे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर तरीके में किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक अप्रोच लिया जाता है, जबकि नॉन लीनियर तरीके में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए अनऑर्थोडॉक्स मेथड या आउट ऑफ द बॉक्स मेथड का यूज किया जाता है। कुछ साल पहले लिबर्टियन काटो इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डेनियल जे मिचेल ने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा अमेरिका को स्वीडन जैसा क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि स्वीडन के लोग खुद स्वीडन जैसा नहीं बनना चाहते हैं, यानी स्वीडन के लोग अपने देश को उतना पसंद नहीं करते हैं। स्वीडन के लोगों का मानना है कि उन्होंने कई सारी गलतियां की हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई और दूसरी कंट्री उनकी कंट्री जैसे ही बने। डेनियल मिचेल का कहना है कि जब स्वीडन के लोग ये मानते हैं कि उनकी कंट्री और उनकी गवर्नमेंट में कई सारे फ्लॉज हैं, तो अमेरिकन पॉलिटिशियन अमेरिका को स्वीडन जैसा बनाने पर क्यों अड़े हुए हैं। इसका जवाब देते हुए प्रोफेसर डेनियल मिचेल कहते हैं कि स्वीडन के लोगों को ये रियलाइज हो चुका था कि जितना ज्यादा उनके अंदर स्वीडिशनेस होगा उतनी ही हर चीज में उनकी कंट्री खराब परफॉर्म करेगी। शुरू में वहां की गवर्नमेंट ने लोगों के अंदर स्वीडिशनेस की फीलिंग डालकर खूब बेवकूफ बनाया, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है तो अपने अंदर के स्वीडिशनेस को कम करना होगा। प्रोफेसर डेनियल मिचेल का कहना है कि जब स्वीडन के लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं
तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? वो क्यों अपने सिटीजन को गलत रास्ते पर चलने को कह रहे हैं? इसकी यही वजह हो सकती है। हो सकता है बराक ओबामा नॉन लीनियर तरीके से सोचते हों। स्वीडन में टैक्स कम कर दिया गया था ताकि वहां पर प्रोस्पेरिटी आए, लोग वेल्दी लाइफस्टाइल जिए। लेकिन लोगों को ये लगने लगा कि जब टैक्स कम करके प्रोस्पेरिटी लाई जा रही है तो पूरी तरह से टैक्स सिस्टम को ही खत्म किया जाए। पूरी टैक्स सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो ज्यादा प्रोस्पेरिटी आएगी। लेकिन गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि टैक्स से ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री टैक्स पर ही चलती है। आप जो भी टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आ जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट आपसे कहे कि वो आपको टैक्स में छूट देगी तो इसका मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कम करेगी। आप खुद सोचें कि क्या कोई गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? ज्यादातर लोग इस बात का जवाब ना में ही देंगे। आज के दौर में कोई भी गवर्नमेंट करप्शन से फ्री नहीं है। बराक ओबामा के केस में हम ये कह सकते हैं कि ओबामा ने सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ये वादे किए होंगे कि वो टैक्स में छूट देंगे, या फिर उन्हें ये लगता होगा कि वाकई में टैक्स में छूट देकर ही देश में डेवलपमेंट लाया जा सकता है। लेकिन शायद उन्होंने स्वीडन के लोगों का व्यू नहीं समझा होगा। ओबामा को आगे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम होंगे, तभी शायद उन्होंने अमेरिका को स्वीडन बनाने की सोची। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को जब आप ज्यादा करते हैं तो आपको दिक्कत होती है, और उसी चीज को अगर आप कम करते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। किसी चीज के लिए प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। हम अगर सोचें कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से जी रहे हैं तो हम सिर्फ इल्यूजन में हैं। हम किसी चीज को कम करते हैं और किसी चीज को ज्यादा करते हैं। हम कभी भी बैलेंस होकर अपने थॉट्स को रख ही नहीं सकते हैं। हम कभी हीरो को पसंद करते हैं तो कभी विलन को। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें हीरो और विलन दोनों ही पसंद आए हैं। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के केस में भी यही हुआ। वो प्रॉपर बैलेंस बनाना चाह रहे थे लेकिन सही से बना नहीं पाए। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि बराक ओबामा ने प्रॉब्लम को सही से समझा नहीं और उसका सॉल्यूशन लोगों को बता दिया। सिंपल सी बात है, पहले आप प्रॉब्लम को सही तरीके से समझें और जब समझ आ जाए तभी उसका सॉल्यूशन ढूंढें। स्ट्रेट लोकली, कर्व्ड ग्लोबली। पाइथागोरस थ्योरम, ये मैथ्स की सबसे पॉपुलर थ्योरम है, जहां पर किसी राइट ट्रायंगल के बेस और ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। इस थ्योरम की डिस्कवरी पाइथागोरस ने की थी, जिन्होंने बाद में खुद का फिलॉसफी प्रिंसिपल बनाया जिसे पाइथागोरियनिज्म कहते हैं, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले लाखों लोग थे। खैर, पाइथागोरस थ्योरम कितनी सही है और कितनी गलत, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप रूलर से मेजर करेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। वो मेजर करने पर हमेशा आपको कम ही मिलेगी। मान लीजिए अगर आप इस थ्योरम के हिसाब से बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों का मेजरमेंट्स 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 मिलेगी। लेकिन अगर आप बेस और ऑल्टीट्यूड के मेजरमेंट्स को 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे यानी 5 रखेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 50 मिलेगी। वहीं अगर आप बेस और ऑल्टीट्यूड को 7 सेंटीमीटर और बढ़ा दें यानी बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू को 12 सेंटीमीटर रख दें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 288 यानी क्लोज टू 289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे ट्रायंगल बड़ा होता जाता है यूनिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की यूनिट भी तेजी से बढ़ती जाएगी, लेकिन वैल्यू का डिफरेंस कम या ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा। जब हमने बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखी थी तो हमें हाइपोटेन्यूज का सम 2 मिला था, जबकि 2 का स्क्वायर रूट होगा 1.414 यानी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज 1.414 सेंटीमीटर है। फिर हमने बेस और ऑल्टीट्यूड को 5 सेंटीमीटर रखा तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 50 मिली, यानी 50 के स्क्वायर रूट के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें 7.07 सेंटीमीटर मिलेगी। फिर जब हमने बेस और ऑल्टीट्यूड को 12 सेंटीमीटर रखा तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 288 मिली, यानी लेंथ हमें 16.970 सेंटीमीटर मिलेगी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी आपको हाइपोटेन्यूज की यूनिट होल नंबर में नहीं मिलेगी। जो भी पाइथागोरंस होते थे वो काफी वियर्ड होते थे और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स से ही सॉल्व करते थे।
उनका ये मानना था कि ऑड नंबर्स अच्छे होते हैं। ऑड नंबर अच्छाई का सिंबल होता है, जबकि इवन नंबर बुराई का सिंबल होता है। सभी पाइथागोरंस को अपनी इस आइडियोलॉजी में फर्म बिलीव था। इसी को लेकर एक कहानी भी है कि एक पाइथागोरन जिसका नाम हिप्पेसस था, उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि 2 एक इरेशनल नंबर है। जब उसने ये बात अपने सभी पाइथागोरन मेंबर को बताई, सबने गुस्से में उसे उल्टा लटकाकर समुंदर में फेंक दिया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे पाइथागोरंस आए जैसे कि इयूलिड्स और आर्किमेडिस, जिनको ये समझ में आ गया था कि आपको चीजों को एक्यूरेटली मेजर करना होगा। अगर आप जूम करके सर्कल के कर्व को देखेंगे तो आपको हर कर्व लाइन की तरह दिखेगा। जब आप किसी मिसाइल को फायर करते हैं तो मिसाइल हमेशा प्रोबेलिक आर्क में जाती है, यानी मिसाइल पहले ऊपर जाती है फिर उसके बाद नीचे कर्व बना के आती है। ऐसा ग्रेविटी की वजह से ही होता है। लेकिन अगर हम मिसाइल के प्रोबेलिक कर्व को शॉर्ट सेगमेंट के लिए जूम इन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कर्व एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन ही है। ग्रेविटी की वजह से ही मिसाइल स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाती है और ये इतनी छोटी होती है कि हम इसे नॉर्मल तरीके से देख ही नहीं सकते हैं। इसी से रिलेटेड न्यूटन का मानना था कि जब हम अपने व्यू को इन्फिनिटीसिमल तक रिड्यूस करते हैं तो हमें हर चीज स्ट्रेट लाइन में ही दिखती है। इन्फिनिटीसिमल का मतलब स्मॉलर साइज। जब आप मिसाइल को फायर होते हुए देखते हैं तो आप उसे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं देखते हैं, आप उसे एक साथ ही एक ही सिंगल मूवमेंट पर देखते हैं। अगर आप सिंगल मूवमेंट पर ना देखें तो आपको मिसाइल स्ट्रेट लाइन से नीचे आती हुई दिखेगी। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर देखने से जो ऑलमोस्ट लाइन की तरह होती है वो एक्चुअली में आपको एग्जैक्ट लाइन ही दिखेगी। इसी फिनोमिना को न्यूटन ने फ्लक्सियन कहा था और जिसे आज की डेट में डेरिवेट कहा जाता है। हालांकि न्यूटन के इस फिनोमिना को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन कोई भी न्यूटन को थियोरेटिकल और लॉजिकली रॉन्ग नहीं प्रूव कर पाया। देखा जाए तो दुनिया की हर चीज लीनियर होती है, यानी स्ट्रेट लाइन की ही तरह होती है। लेकिन हम स्ट्रेट चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हर चीज का सॉल्यूशन सीधा होता है, लेकिन हम उसे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कई मैथमेटिशियंस ऐसे थे जिन्होंने आसान चीजों को मुश्किल बना दिया जस्ट बिकॉज उन्हें अपने आप को प्रूव करना था। वो जिस एरा में थे उस एरा में नई चीजों को खोजने पर लोगों की बहुत ज्यादा वाहवाही मिलती थी और शायद इसी वजह से मैथमेटिशियंस अजीब से फॉर्मूले अपने ही हिसाब से बनाकर दुनिया के सामने रख देते थे और उस फॉर्मूले का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है और शायद मालूम भी ना हो। Everyone is obese. हर एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से अपने व्यू रखते हैं। उन्हें जो सही लगता है वही चीज वो पब्लिक के सामने रख देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी रिपोर्ट्स कितनी लॉजिकल है कितनी इलॉजिकल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स लोगों में अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी रिपोर्ट्स पब्लिश करवा देते हैं ताकि लोग उन्हें जाने। अमेरिका में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि 2048 में सभी अमेरिकन ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, यानी 2048 में पूरा अमेरिका मोटापे की चपेट में आ जाएगा। अमेरिका की इस वक्त पॉपुलेशन लगभग 32 करोड़ के आसपास है और अगर हम ये कहें कि अमेरिका में 2048 में पॉपुलेशन 50 करोड़ हो जाएगी तो यानी रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में 2048 तक 50 करोड़ सभी लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। लॉजिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसा भी जमाना था जहां पर मेल और फीमेल सबके सर के बाल लंबे होते थे, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। यानी जो पुराने जमाने से चला आ रहा है वो इस जमाने में भी चले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 2048 में अमेरिका में सभी लोग मोटे नहीं होंगे। और अगर इस बात को मैथमेटिकल वे में कहें तो हर कर्व लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, लेकिन हर कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन जैसी ही दिखती है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि सबके घर में स्क्रू ड्राइवर होता है और लगभग हर काम के लिए हम जो टूल सबसे पहले निकालते हैं वो स्क्रू ड्राइवर ही होता है। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में ये भी रिपोर्ट पब्लिश होती है कि वो इंसान ज्यादा खुश रहता है जिसके ज्यादा कजन होते हैं। अब इस बात की तो कोई 100% गारंटी नहीं है। क्या किसी को खुश रहने के लिए ज्यादा कजन की जरूरत पड़ सकती है? इसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। इससे आप दो अलग अलग चीजों को आपस में कोरिलेट करते हैं। देखा जाए तो कैलकुलस भी बिल्कुल लीनियर रिग्रेशन की तरह ही होता है। ये पूरी तरह से मैकेनिकल होता है,
लेकिन अगर अटेंशन ना दिया जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। कैलकुलस के एग्जाम में अक्सर अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक पानी के मग में अगर पंच मारकर होल कर दिया जाए और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है तो ऐसे में पानी का वेट कितना होगा। सुनने में ये क्वेश्चन अटपटा सा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर निकाल भी लेते हैं। कुछ स्टूडेंट पानी का वेट 4 ग्राम बताते हैं तो कुछ स्टूडेंट के हिसाब से पानी का वेट 3 ग्राम होता है। ऐसे क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं होता है, या अगर हम मान भी लें कि ऐसे क्वेश्चन में सेंस है तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है वो सही नहीं होगा। जब हम किसी को मैथमेटिक्स सिखाते हैं तो हमें सबसे पहले सामने वाले को गाइड करना पड़ता है। अक्सर हमारी सोसाइटी में मैथमेटिक्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत स्लो होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट को अपना काफी टाइम देना पड़ता है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाए। मैथमेटिक्स की पढ़ाई अब पढ़ाई न रहकर एक मैथ्स वॉर बन गया है। एक साइड जहां पर टीचर ये फोकस करते हैं कि स्टूडेंट को सारे फॉर्मूले रट जाए, स्टूडेंट मैथ्स के सम को करने में एक्सपर्ट हो जाए और स्टूडेंट ऐसा बन जाए कि हर सम का एग्जैक्ट आंसर ही निकाले। इस अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। वहीं दूसरी साइड कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को सारे फॉर्मूले का मतलब पता हो, उसे हर फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक मालूम हो, स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग डेवलप करने की आदत आ जाए। इस अप्रोच को हम रिफॉर्म अप्रोच कहते हैं। हमें ये मानना चाहिए कि हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी को कोई बात समझाने के लिए आपको ज्यादा वक्त देना पड़े, लेकिन कभी कभी किसी को कोई बात समझाने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं देना पड़ता है। हम सबका मेंटल लेवल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए जरूरी नहीं है कि किसी शहर में अगर आपको पागल मिले तो वो पूरा शहर ही पागलों से भरा हो। इसलिए ये भी जरूरी नहीं है कि किसी एक शहर में आपको मोटे लोग मिले तो आप पूरे शहर को मोटे लोग का शहर कह दें। इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि अमेरिका में 2048 तक सब लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। How much is that in dead Americans? अगर आप हिस्ट्री की बुक उठाकर देखेंगे तो आपको न जाने कितने वॉर, ह्यूमन किलिंग, जेनोसाइड, ये सब इंसिडेंट्स पढ़ने को मिलेंगे। पहले जमाने में वॉर ज्यादा हुआ करते थे। एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना दबदबा बनाने के लिए बिना किसी खास बात के वॉर शुरू कर देती थी। अगर हम पिछले 150 सालों की बात करें तो सिर्फ इन 150 सालों में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, और अगर 150 साल पहले की बात करें तो ना जाने कितने वॉर लड़े जा चुके हैं और ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इस वॉर में मारे गए हैं। अमेरिका ने भी ना जाने कितने वॉर में एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से पार्टिसिपेट किया है, और ना जाने कितने अमेरिकी सोल्जर को वॉर में अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मॉल कंट्री में जितने कम लोग मारे जाते हैं उनके नंबर बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट डेनियल बेमैन के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2005 में पैलेस्टीनियन आर्मी ने 1074 इजरायली सोल्जर को मारा और 7520 सोल्जर को इंजर्ड किया। यानी अगर हम इस डेटा को अमेरिका से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि पैलेस्टीनियन आर्मी ने अमेरिका के 50,000 सोल्जर्स को मारा और 300,000 सोल्जर्स को इंजर्ड किया। अगर देखा जाए तो पैलेस्टीन जैसी छोटी कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा डेटा है। दिसंबर 2001 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक डेटा दिया था कि इसराइल अटैक में 26 लोग जो मारे गए हैं वो 1200 अमेरिकन के मरने के इक्विवेलेंट हैं। इस डेटा में ये भी था कि 8 इजरायली की डेथ 500 अमेरिकन की डेथ के बराबर है। यानी कुल मिलाकर जितने लोग छोटी कंट्री में मारे जाएंगे उसे अगर हम बड़ी कंट्री से कंपेयर करके देखें तो हमें मरने वाले लोगों के नंबर में बहुत ही ज्यादा राइज देखने को मिलेगा। अगर इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझें तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मुंबई शहर में 1 किलोमीटर के दायरे में 5,000 लोग रहते हैं, और वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1,000 लोग रहते हैं, और अगर मुंबई शहर में बम विस्फोट हो जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में मरने वालों के नंबर ज्यादा होंगे क्योंकि मुंबई में 1 किलोमीटर के दायरे में ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि कैलिफोर्निया शहर में अगर विस्फोट हो जाए तो वहां पर मुंबई के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर के दायरे में कम लोग रहते हैं, इसलिए कम लोग मारे जाएंगे। 1994 में रवांडा में
11% पॉपुलेशन को बुरी तरह से जेनोसाइड कर दिया गया था, और अगर हम इसे नाजी होलोकॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो ये 9 times ज्यादा बुरा और ब्रूटल था। इसे हम मैथमेटिकल हाइजीन भी कह सकते हैं, और मैथमेटिकल हाइजीन का इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी आप किसी मैथमेटिकल मेथड को टेस्ट करते हो तो आप सॉल्व करने के कई सारे तरीकों को निकालते हो, और उन तरीकों में आपको कई सारे आंसर भी मिलते हैं, और जब आपको कई सारे आंसर मिलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपका मैथमेटिकल मेथड गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर 2004 में मैड्रिड के एटोचा मेट्रो स्टेशन अटैक में 200 लोग मारे गए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई अटैक हुआ तो क्या वो अटोचा मेट्रो स्टेशन पर मारे गए लोगों की नंबर्स के इक्विवेलेंट होगा या नहीं। अगर हम अमेरिका और स्पेन की पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका की पॉपुलेशन स्पेन की पॉपुलेशन से 7 times ज्यादा है, और अगर आप 200 लोगों को स्पेन की पॉपुलेशन का 0.0004% कंसिडर करें तो उस हिसाब से अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 1300 लोगों की जान जाएगी। अगर आप 200 लोगों को सिर्फ मैड्रिड की पॉपुलेशन का 0.006% कंसिडर करें तो उस हिसाब से न्यूयॉर्क सिटी में 463 लोग मारे जाएंगे। कुल मिलाकर हमें कई सारे रिजल्ट्स और प्रोपोर्शन मिलेंगे, और हर बार हमें रिजल्ट्स और प्रोपोर्शन अलग अलग मिलेंगे। स्मॉल स्टेट्स या फिर कंट्री का सैंपल साइज हमेशा कम ही होता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि इलेक्शन से पहले कई बार ओपिनियन पोल कराया जाता है। अक्सर कुछ कंपनियां ओपिनियन पोल कराने से पहले कम सैंपल साइज को लेती हैं, जिससे कि वो किसी एक पार्टी को ज्यादा बेहतर दिखा सके। किसी भी एक्सपर्ट के पास वॉर में मारे गए लोगों का एग्जैक्ट काउंट डेटा नहीं होता है। ये डेटा सिर्फ एजम्पशन पर ही बनाए जाते हैं, और लोगों को एक एग्जैक्ट नंबर बता दिया जाता है ताकि लोग उस डेटा पर यकीन कर सकें। आप खुद ही सोचिए कि जिस वॉर में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएं, क्या उस वॉर में मारे गए सभी सोल्जर्स की डेड बॉडी को काउंट किया जा सकता है? आपका जवाब नहीं होगा। अगर डेड बॉडी को काउंट किया जाने लगा तो इसमें कई महीने लग जाएंगे, इसलिए ऐसे डेटा को अजम्पशन के बेस पर निकाला जाता है। इसलिए जब भी आप कोई ओपिनियन पोल या फिर किसी भी टेररिस्ट अटैक में मारे गए लोगों के नंबर देखें तो आप उसे एग्जैक्ट कभी ना माने। मोर पाई देन प्लेट। आज के दौर में सरवाइव करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, और पैसे को पाने के लिए हमें बिजनेस करना पड़ता है या फिर जॉब करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब करने में ज्यादा सिक्योरिटी महसूस होती है, और जॉब में हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती रहती है। सालों पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तब अमेरिका इस रिवॉल्यूशन में सबसे आगे था, और यही वजह है कि आज अमेरिका बिजनेस का हब बना हुआ है। जितनी भी मशहूर कंपनियां हैं उनका हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। अमेरिका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में कई देशों से आगे है, और यहाँ पर फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहती हैं। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर चलेंगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है। इकोनॉमिस्ट माइकल स्पेंस और सैंडल लेट्सवायो के अकॉर्डिंग 1990 से लेकर 2008 तक अमेरिका में लगभग 2,70,00,000 लोगों को जॉब दी गई, जिसमें से 2,60,00,000 जॉब सिर्फ नॉन ट्रेडेबल सेक्टर से आई, यानी 98% जॉब्स नॉन ट्रेडेबल सेक्टर के थ्रू क्रिएट हुई। बाकी 2% जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिटेल और फूड सर्विस के थ्रू आई। नॉन ट्रेडेबल सेक्टर से 98% जॉब्स क्रिएट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं 1990 से 2008 तक ट्रेडेबल सेक्टर में सिर्फ 6,20,000 नई जॉब्स की ही इंक्रीमेंट हुई। ट्रेडेबल सेक्टर जॉब में काफी गिरावट आने लगी थी। ये गिरावट दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। 2000 और 2008 के बीच में ट्रेडेबल सेक्टर में लगभग 30,00,000 लोगों ने अपनी जॉब गंवाई थी, जबकि इस दौरान नॉन ट्रेडेबल सेक्टर में 7,00,000 जॉब बढ़ गई थी। नॉन ट्रेडेबल सेक्टर पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा था, जबकि ट्रेडेबल सेक्टर नेगेटिव नंबर की तरफ बढ़ रहा था। खैर, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव नंबर सिर्फ मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ही काम आते हैं। नेगेटिव नंबर्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम किसी चीज की क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम शॉपकीपर से ये नहीं कह सकते, भाई हमें -7 पेन दे दो। जब भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि हमें 7 पेन दे दो। इसलिए जब कोई एक्सपर्ट हमसे कोई डेटा शेयर करता है तो वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर में ही डेटा शेयर करता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी हमें डेटा का सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाया जाता है।
हमें ये बताया जाता है कि कितने लोगों को जॉब्स मिली, हमें ये नहीं बताया जाता कि कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खोई। 6th सेंचुरी के एल्गब्रेस्ट कार्डानो और फ्रैंकोइस वोइटी का मानना है कि नेगेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव टाइम्स रखा जाए तो वो पॉजिटिव के इक्वल हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर दो नेगेटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच जैसा दिखने लगता है। आप अगर 100 बार झूठ बोलेंगे तो एक ना एक बार तो सच हो ही जाएगा। कई मैथमेटिशियंस नेगेटिव नंबर की वैल्यू को कम नहीं समझते हैं, लेकिन बात जब डेटा की होती है तो हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं बताते हैं, या यूं कहें हम डेटा में किसी भी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कभी नहीं करते हैं। लोग पॉजिटिव नंबर इसलिए बताते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर लोगों के दिमाग में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है। ये फिनोमिना आप जॉब्स के डेटा में देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट स्पेंस और लेट्स वायो शायद अपने डेटा में यही बताना चाह रहे थे। उन्होंने अपने डेटा में ट्रेडेबल सेक्टर के बारे में फुल डिटेल्स में नहीं बताया क्योंकि वो आपके दिमाग को ट्रिक करना चाह रहे थे। इसलिए जब कभी भी कोई आपको डेटा दिखाए तो आप उससे नेगेटिव नंबर के बारे में भी पूछें। यानी अगर कोई आपसे कहे कि गवर्नमेंट ने लोगों को 1,00,000 जॉब दी तो आप उससे ये भी डेटा पूछें कि 1 साल में कितने लोगों ने अपनी जॉब गवाई। जब आप इस तरह से लोगों से पूछने लगेंगे तो आपको हर चीज का एकदम क्रिस्टल क्लियर डेटा मिलने लगेगा। द बाल्टीमोर स्टॉक ब्रोकर एंड द बाइबल कोड। अगर देखा जाए तो हम अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज करते रहते हैं, जैसे सुबह 6 बजे उठना, फ्रूट सेलर से 1 kg फ्रूट्स लेना, ऑफिस जाने के लिए बस या ऑटो का 15 या 20 मिनट इंतजार करना। यानी हम अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें नंबर्स या क्वांटिटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और नंबर से ही मैथमेटिक्स बनती है। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे भी सवाल आते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है, जैसे बिग बैंग होने के नैनो सेकंड के बाद यूनिवर्स कैसा दिखता था, लाइफ मिलने से पहले हमारी ये अर्थ कैसी दिखती थी। इस तरह के कॉस्मिक क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को हम मैथमेटिक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा लगता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स का क्या काम, लेकिन सच तो यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को हम मैथमेटिक्स से ही ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो भी आप मैथमेटिक्स का यूज करके भगवान के बारे में जान सकते हैं। जो मैथमेटिकल माइंड वाले होते हैं, रिलीजियस बिलीफ पर उनका जो विजन होता है वो बहुत ही ब्रॉड और कॉन्गनियल होता है। यानी ऐसे लोग कभी भी भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते हैं। ये ना ज्यादा फर्म बिलीवर होते हैं और ना ही ज्यादा एथिस्ट होते हैं। हम सब भगवान पर यकीन करते हैं, और हम भगवान पर इसलिए यकीन नहीं करते कि हमें किसी एंजल ने टच किया या आपके सामने भगवान ने आकर कोई मिरेकल किया, और ना ही आपके पेरेंट्स ने आपको भगवान पर यकीन करने के लिए फोर्स किया। अगर आप भगवान पर यकीन करते हैं तो ये आप खुद अपनी मर्जी से ही करते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको चलाती है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसी एनर्जी की वजह से हो रहा है। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान एक मैटर है या एक चीज जो बिल्कुल उसी तरह है जैसे 8 times 6 इक्वल होता है 6 times 8 के। ये एक मजाकिया उदाहरण है। राइटर सेज दीज लाइंस इन सरकास्टिक वे। अब जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो क्या वाकई में भगवान होते हैं? हम में से ज्यादातर लोग हर चीज को साइंटिफिकली और मैथमेटिकली तरीके से मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात जब फेथ पर आती है तो हम सारी साइंस और मैथ्स की बातों को दरकिनार कर देते हैं। हालांकि जो लोग भगवान में फेथ रखते हैं वो आपसे यही कहेंगे कि ये नेचर, ये आसमान, ये नदियां, ये सब कितनी खूबसूरत हैं। ये सब अपने आप तो नहीं बन सकती हैं, इसे जरूर किसी ना किसी ने बनाया ही होगा, इसके पीछे जरूर कोई सुप्रीम पावर होगी। लेकिन अगर हम आज के जमाने की बात करें तो हमारे पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कंप्यूटर जैसी ना जाने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हमारे पास इतना सारा डेटा है। जब हम इन सारे डेटा को पढ़ते और समझते हैं तो हमें हर चीज के होने का रीजन मालूम हो जाएगा, और इस धरती पर हर चीज की शुरुआत कैसे हुई इसका भी हमें पता चल जाएगा। हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई मैथमेटिक्स है। मान लीजिए कि आपने बाल्टीमोर के स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, और आपको स्टॉक ब्रोकर ने ये टिप दिया कि एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है। कुछ हफ्ते बाद आप देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर ने जो आपको टिप दी थी वो बिल्कुल सही निकली,
उसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। अगली बार आप वही स्टॉक ब्रोकर आपको एक और टिप देता है। इस बार वो ऐसे स्टॉक के बारे में आपको बताता है जिसका मार्केट में प्राइस गिरने वाला होता है। इस बार भी स्टॉक ब्रोकर का प्रेडिक्शन सही होता है। इसी तरह लगातार 10-11 हफ्ते तक हर बार स्टॉक ब्रोकर आपको टिप देता रहता है और हर बार उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। जब स्टॉक ब्रोकर की इतनी सारी प्रेडिक्शन सही होती हैं, तो आप भी यही सोचते हैं कि इसी स्टॉक ब्रोकर के बताए हुए स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए जाएं। आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हो सकता है उस स्टॉक ब्रोकर ने जो आपको 10-11 प्रेडिक्शन बताई हैं, वो 90 प्रेडिक्शन गलत होने के बाद बताई हैं। यानी उस स्टॉक ब्रोकर की 100 में से 10 प्रेडिक्शन सही होती हैं और कोइंसिडेंशियली उसकी लास्ट की 10 प्रेडिक्शन सही हुई और आप इन्हीं 10 प्रेडिक्शन के झांसे में आकर अपने पैसे को बाल्टीमोर स्टॉक ब्रोकर के बताए हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करने आ गए। प्रेडिक्शन में हमेशा चांस 50-50 का रहता है। अगर आपने शुरू में 2 प्रेडिक्शन की हैं, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि आपकी एक प्रेडिक्शन सही होगी और एक प्रेडिक्शन गलत होगी। हर प्रेडिक्शन का सही होने का चांस 1/2 होता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनकी प्रेडिक्शन पूरी तरह से सच नहीं होती है। उनकी बताई हुई टिप एक्यूरेट हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब स्टॉक ब्रोकर के केस को हम रिलीजियस गुरु या फिर रिलीजियस टेक्स्ट डिकोडर से रिलेट करके देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जो भी रिलीजियस गुरुज हमें बताते हैं वो हमेशा एक्यूरेट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ना ही ये रिलीजियस गुरु अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, और ना ही इन्हें कोई रिसर्च पेपर देना पड़ता है, और ना ही इन्हें अपने पेपर को हजारों लाखों लोगों को दिखाना पड़ता है। ये प्योरली एजम्पशन पर हमें टिप दे रहे होते हैं। हम डर जाते हैं और इसी डर की वजह से हम रिलीजियस गुरुज की बातों में आ जाते हैं और वो हमारे डर का फायदा उठाकर हमें टिप देते रहते हैं। हम उन्हीं टिप्स के सहारे ये एजम्पशन लगाते रहते हैं कि भगवान होगा और वही है जो इस यूनिवर्स की रक्षा कर रहा है। आपका जो फेथ है आप उसे मानने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। सभी को हक है कि वो अपने पसंद का रिलीजन चुने, और अगर नहीं चुनना चाहते हैं तो वो इसके लिए भी बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, लेकिन अगर आप फेथ में लॉजिक ढूंढेंगे तो आपको लाइफ के कई सारे सीक्रेट्स अपने आप मालूम होते चले जाएंगे। इसलिए लॉजिक ढूंढिए और चीजों को साइंटिफिकली और मैथमेटिकली तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। डेड फिश डोंट रीड माइंड्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शुरुआत में तो बड़ा ही मजा आता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉड मास, ये सब करने में हम सब बहुत इंटरेस्ट लेते थे। जैसे हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचते जाते थे, मैथ्स का लेवल भी बढ़ता जाता था। एडिशन, डिवीजन एटसेट्रा में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती ही जाती थी। इसके अलावा हमें नंबर्स के टाइप को भी समझना पड़ता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैथ्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तब कम होने लगता है जब मैथ्स में फ्रैक्शन, इंटीजर्स ये सब टर्म्स आने लगती हैं या ये टॉपिक आने लगते हैं। उससे पहले सभी को मैथ्स बड़ी इजी लगती थी। इसके अलावा एलजेब्रा दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मैथ्स में लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। एलजेब्रा टॉपिक इंट्रोड्यूस होने से पहले आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते थे। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में सिंपल अर्थमेटिक मेथड का यूज होता था और इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन ये सब फॉरवर्ड वे में होती थी। लेकिन एलजेब्रा इन सबसे अलग है। इसमें कॉम्पिटिशन बैकवर्ड तरीके से होता है और इसमें आपको गेस करना होता है। इसमें आपको चीजों की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 25। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती है और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आप 10 को राइट साइड ले जाते हैं और फिर उसे 25 से माइनस कर देते हैं। फिर आपको एक्स की वैल्यू मिलती है 15। यानी इसमें आपको रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं एलजेब्रा टफ होती जाती है। सिंपल इक्वेशन के बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 जैसी इक्वेशन मिलती है और आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालने को कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी बाकी टॉपिक से अलग है। हमारा माइंड इस तरह से है कि हम अनसर्टेन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन इन अनसर्टेन चीजों को आर्टिकुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का इंक्लूजन बहुत ही लेट हुआ था। अगर आप प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचेंगे तो पक्का आपका सिर चकराने लगेगा। जैसे एक सिक्के के हेड साइड आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, यानी हेड आने के लिए आपको सिक्के को कई बार फ्लिप करना होता है, और कई बार फ्लिप करने के बाद भी गारंटी नहीं कि हेड ही आए।
हालांकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां पर आप प्रोबेबिलिटी के प्रोसेस को बार बार नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है। जैसे जब हम कहते हैं कि कल बारिश होने की 20% चांसेस हैं, तो इसमें हमें सिर्फ एक ही मौका मिलता है क्योंकि कल सिर्फ एक ही बार आता है। देखा जाए तो हर चीज में हम प्रोबेबिलिटी को ला सकते हैं और हर चीज में आपको प्रोबेबिलिटी मिल भी जाएगी। ऐसे कई इनफाइनाइट इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहां पर हम प्रोबेबिलिटी को ला सकते हैं। जैसे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 1000 सालों में ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या फिर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि शेक्सपियर के सारे प्ले शेक्सपियर ने ही लिखे हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप क्या देंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर नेगेटिव में होगा कि आने वाले 1000 सालों में कोई चांस ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग एक्सटिंक्ट हो जाए, और शेक्सपियर ने तो ना जाने कितने ड्रामा और प्ले लिखे हैं। पॉसिबल ही नहीं कि शेक्सपियर ने जैसा लिखा है उस तरह से कोई और लिख दे। लेकिन इन सब बातों की आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने ना ही फ्यूचर देखा है और ना ही पास्ट। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही लगा सकते हैं। देखा जाए तो हमारी पूरी जिंदगी ही प्रोबेबिलिटी पर ही चल रही है। जैसा कि हमने कई बार कहा कि हमारी पूरी लाइफ मैथ्स है। हमारी लाइफ में जो भी होता है या जो हो चुका है वो मैथ्स ही तो है। हम कितना जिएंगे, क्या हम 60 साल तक ही जी पाएंगे या नहीं, इस तरह के सवाल हम खुद से पूछते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ही तो लगाते हैं। रिडक्टियो एड अनलाइकली। मैथ्स में हमें ज्यादातर हाइपोथेसिस करना होता है और हाइपोथेसिस के बेस पर ही हम अपना आंसर निकालते थे। फॉर एग्जाम्पल, जूनियर क्लासेस में मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते थे कि मान लेते हैं कि रोहन के पास आम की 5 पेटी हैं और उसने 5 पेटी में से 3 पेटी सोहन को दे दी, तो उसके पास कितनी पेटी बची हैं। या फिर जब हम सीनियर क्लास में जाते थे तो हमसे इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि मान लेते हैं कि एक ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, अगर वो नॉर्थ साइड जा रही है और प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट रुकी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जहां पर मान लेने की बात होती है वहां पर हाइपोथेसिस ही होता है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी मैथ्स हाइपोथेसिस पर ही है। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में दो पॉसिबिलिटी एक जैसी हो सकती हैं। नल हाइपोथेसिस मेनली फॉल्स ही होता है, लेकिन अगर इसे स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ किया जाए तो ये सच भी हो सकता है। यानी नल हाइपोथेसिस के सच होने के लिए प्रूवन डेटा की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करके आप 5 हफ्ते में ही अपना 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं, अब मेरे पास इस बात का कोई प्रूवन डेटा नहीं है, यानी मेरी बात सिर्फ नल हाइपोथेसिस ही है। हाँ, अगर मेरे पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल डेटा हो जिसमें ये मेंशन हो कि जब हम लगातार 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, हमारा हार्ट तेजी से काम करता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे तरीके से होता है, अगर इस तरह का डेटा मैं आपके सामने रखूं तो मेरा नल हाइपोथेसिस सच होगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में नल हाइपोथेसिस बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ड्रग्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है तो आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, चाहे मैं आपको कितना भी डेटा दे दूं, या मैं आपसे कहूं कि शेक्सपियर को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था तो भी आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। यानी नल हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज है जिसका कोई सॉलिड बेस नहीं है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, वो बाद में झूठ निकल जाता है। जिस सच को हम मानते थे उसे कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से झूठ प्रूफ किया जाता था, और इसे ही रिडक्टियो एड एब्सर्डम कहा जाता है। रिडक्टियो एक तरह का मैथमेटिकल जूडो की तरह होता है और हम उस चीज को अफर्म करते हैं जिसे हम अंदर से डिनाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान का बस चले तो इंसान कभी भी पैसे कमाने के लिए भाग दौड़ ही ना करे, लेकिन पैसा एक बेसिक नेसेसिटी है, इसलिए मजबूरन हम सभी को नौकरी या बिजनेस करना पड़ता है। अंदर से तो हम नौकरी या बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बिना हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। 8th सेंचुरी के मशहूर एस्ट्रोनॉमर और क्लर्गीमैन जॉन मिशेल सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने यूनिवर्स और हेवनली बॉडीज की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा का इस्तेमाल किया। कॉन्सिलेशन टॉरस के कॉर्नर में डिम स्टार का क्लस्टर बना होता है जिसे अलग अलग सिविलाइजेशन अलग अलग नामों से पुकारती हैं। नवाजो सिविलाइजेशन के लोग इस डिम स्टार क्लस्टर को डिल्हे यानी स्पार्कलिंग स्टार नाम से पुकारते थे।
माओरी सिविलाइजेशन के लोग इसे मातारिकी यानी आईज ऑफ गॉड के नाम से पुकारते थे। रोमन इसे बंच ऑफ ग्रेप्स कहते थे और जापानीज इसे सुबारू नाम से पुकारते थे। और आज इस डिम स्टार के क्लस्टर को प्लेडियस नाम से जाना जाता है। कई सालों से इस क्लस्टर का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था और इसको लेकर कई सारे मिथ्स भी बनाए जा रहे थे, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि ये डिम स्टार का क्लस्टर है। क्या ये वाकई में क्लस्टर है या फिर ये जो सिक्स डिम स्टार है, क्या ये एक दूसरे से बहुत दूर है? यानी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर किसी ने भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ नहीं दिया। इसको लेकर सभी ने सिर्फ अपना अपना हाइपोथेसिस दिया, लेकिन जॉन मिचेल ने इसे साइंटिफिकली प्रूव किया। जॉन मिचेल ने इस प्लेडियास को अपने डायग्राम के सहारे लोगों को बताया और लोगों को कन्विंस करने के लिए हर एक चीज का साइंटिफिक रीजन भी दिया। जॉन मिचेल ने एक एनालिटिकल एवोल्यूशन भी किया। इस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम स्टार्स को तभी देख पाते हैं जब वो रैंडमली डिस्टर्ब्ड होते हैं, यानी जब स्टार के बीच की दूरी ज्यादा होती है तभी हम उन्हें अपनी नेकेड आई से देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम सेलेस्टिकल बॉडीज को देखते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को लॉगरिथम के बारे में नहीं पता होता है। लॉगरिथम में हम किसी एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई ना करके उसे उसके पावर से डिनोट करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 है तो मतलब ये हुआ कि हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 by 2 by 2, और हमें मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 3 = 8, और जो पावर 3 हमने यहाँ यूज किया है उसे ही हम लॉग कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपके सामने फेक लॉगरिथम रखते हैं जिसे फ्लॉगरिथम कहते हैं। इसमें एकदम क्लोज डेटा लिखा जाता है जिसे देखकर आप उसे ही एक्चुअल फैक्ट्स मानने लगते हैं। फ्लॉगरिथम एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग फंक्शन है। 1000 का फ्लॉगरिथम 4 होगा, मिलियन का फ्लॉगरिथम 7 होगा, बिलियन का फ्लॉगरिथम सिर्फ 10 ही होता है। यानी फ्लॉगरिथम की हेल्प से आप बिलियन में से सिर्फ 10 बात को ही सच साबित कर सकते हैं। हमें किसी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे फिक्स नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में वही इंफॉर्मेशन गलत साबित हो जाए। इसलिए हमें हमारे दिमाग को खुला रखना चाहिए, यानी हमें अपने दिमाग को इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन के दोनों एस्पेक्ट यानी सही और गलत दोनों को एक्सेप्ट कर सके। ठीक इसी तरह किसी भी इंसान के बारे में हमें पर्टिकुलर परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है वो इंसान अभी आपके लिए बुरा हो, लेकिन बाद में ये भी हो सकता है कि वही बुरा इंसान आपके लिए सही इंसान हो जाए। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को इस तरह बनाना चाहिए जहां पर एक इंसान अच्छा हो तो भी हम उसे एक्सेप्ट कर लें, और जहां पर इंसान बुरा हो तो भी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानने के लिए हम बेहद एक्साइटेड रहते हैं। फ्यूचर जान हम सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ही आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानने के लिए हम बेहद एक्साइटेड रहते हैं। फ्यूचर जानकर हम हैप्पी भी हो सकते हैं और सैड भी। ये जरूरी नहीं है कि हमारे फ्यूचर में हर चीज अच्छी ही हो या हमारे फेवर में हो। कुछ ऐसी भी चीजें फ्यूचर में होंगी जो हमारे फेवर में नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि अगर आप फ्यूचर देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो आपको अच्छे और बुरे दोनों ही पैरामीटर्स को साथ में लेकर चलना होगा। एंशियंट रोम में हरुस्पिसी का चलन बहुत जोरों से था। हरुस्पिसी यानी एक ऐसा डिवाइन रिचुअल जिसमें लोग फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, और इस प्रेडिक्शन को करने के लिए एनिमल के बॉडी पार्ट्स स्पेशली लीवर का यूज किया जाता था। जो हरुस्पिसी रिचुअल्स को अंजाम देता था उसे हरुस्पेक्स कहते थे। अब आप खुद को एक हरुस्पेक्स की तरह कंसिडर कीजिए और आपको एनिमल सेक्रीफाइस करके उसका लिवर निकालने के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आपका जो भी प्रेडिक्शन हो वो एक्यूरेट ही हो, आपको बस वैसा ही करना है जो आपको एट्रूसियन डाइटीज ने कमांड किया है। हरुस्पिसी रिचुअल्स करना बहुत ही मेहनत वाला काम है। इसमें ऑलमोस्ट हर वक्त आपको एनिमल्स के ब्लड और बाइल्स से घिरे रहना पड़ता है, और इसके अलावा आपकी हर प्रेडिक्शन सही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। आप इसमें कई सारे प्रेडिक्शन करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। जैसे कि आपने एप्पल कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ने की प्रेडिक्शन की लेकिन आप फेल हो गए। आपने ये भी प्रेडिक्शन किया कि इस बार पेट्रोल के रेट कम होंगे लेकिन इसमें भी आप फेल हो गए। अब आप यही सोचते होंगे कि हरुस्पेक्स होकर भी मेरी सारी प्रेडिक्शन गलत क्यों हो रही हैं? राइटर सेइंग दिस इन सरकास्टिक टोन।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉड बहुत ही चूजी हो सकते हैं। जो जानवर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं शायद वो भगवान को पसंद ही ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम एक्सपेरिमेंट कोई दूसरा हॉरोस्पेक्स करता है तो उसका प्रेडिक्शन सही हो जाता है, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो गलत हो जाता है। जब आपका एक्सपेरिमेंट सही होता है तो आप गॉड को थैंक यू बोलते हो। वैसे अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो चांसेस ये है कि आपका एक्सपेरिमेंट 20 में से एक ही बार सही होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि इस टाइप की डिवाइन रिचुअल के सही होने के चांसेस 20 में से एक ही बार होते हैं। जितने भी प्रेडिक्शन करने के मेथड या रिचुअल्स होते हैं ये पूरी तरह से रिलायबल नहीं होते हैं। हमें इन पर आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले जमाने के लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, इसलिए वो लोग इन सब बातों पर यकीन करते थे और धीरे धीरे यही चीजें कल्चर का हिस्सा बनने लग जाती हैं और आगे चलकर लोग इन्हें रिचुअल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लेते हैं और हर चीज के लिए हॉरोस्पेसी जैसे रिचुअल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और खुद को साइंटिफिक फैक्ट से दूर करते जाते हैं। आज की साइंस और मॉडर्न मेडिसिन बिल्कुल भी हॉरोस्पेसी की तरह नहीं है। इसमें आपको लॉजिक मिलेगा। अगर कोई मेडिसिन जो सालों पहले किसी बीमारी को सही करती थी लेकिन अब नहीं करती है तो उसे किसी दूसरी मेडिसिन से रिप्लेस कर दिया जाता है या उसकी जगह दूसरी मेडिसिन डिस्कवर की जाती है और फिर उस मेडिसिन को यूज किया जाता है। सोचिए ये कितना बेवकूफी भरा काम होगा अगर आपको वही पुरानी मेडिसिन दे दी जाए जो पहले आपकी बीमारी को ठीक करने में काम आती थी लेकिन अब नहीं आती है। क्या आप ऐसे मेडिसिन को लेना पसंद करेंगे? आप शायद इसका जवाब नहीं में देंगे। तो आप कैसे किसी सदियों पुराने रिचुअल्स को मान सकते हैं? और अगर आप मानते भी हैं तो क्या आपने कभी उस रिचुअल्स को करने के पीछे का लॉजिक ढूंढा है? आप खुद सोचिए कि जब आप बीमार होते हैं तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? हॉरोस्पॉक्स के पास या फिर डॉक्टर के पास? जी हाँ, आप यही कहेंगे कि सबसे पहले हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। आप डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको डॉक्टर की बताई हुई चीजों में लॉजिक नजर आता है। डॉक्टर आपकी बीमारी के पीछे की वजह बताता है और आप बीमार क्यों हुए इसका भी वो रीजन देता है। आपको सही करने के लिए वो फिर आपको मेडिसिन भी देता है। आप डॉक्टर की मेडिसिन खाकर सही भी हो जाते हैं। जब हमारा दिमाग लॉजिक को एक्सेप्ट करने के लिए बना है तो हम लॉजिक को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? हम लॉजिक को खुद से दूर रखने की क्यों कोशिश करते हैं? हम क्यों नहीं लॉजिक को अपनाते हैं? हम क्यों नहीं अपनी जिंदगी में साइंटिफिक और मैथमेटिक्स के तरीके को अपनाते हैं? हम सब जानते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, लेकिन हम चीज को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमारे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर्स ने कभी लॉजिक पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ रिचुअल्स ही फॉलो किए हैं और हम भी उन्हीं के रिचुअल्स को फॉलो करते जाते हैं, चाहे वो रिचुअल्स कैसे भी हों। यहां पर कोई आपको रिचुअल्स फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप कोई भी रिचुअल्स फॉलो करने से पहले उसके मकसद को जानें और उसके पीछे की साइंस और मैथमेटिक्स को जरूर समझें। आर यू देयर गॉड? इट्स मी, बायसियन इन्फेरेंस। सुपरनेचुरल पावर के बारे में लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ इसे डिनाय करते हैं। आज के दौर में अगर हम सुपरनेचुरल पावर की बात करें तो सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज है जिसके पास सही मायने में सुपरनेचुरल पावर है। सोशल मीडिया के पास इतनी पावर है कि ये किसी भी आम इंसान को रातों रात खास बना सकता है। सोशल मीडिया के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है और वो नुकसान डेटा सिक्योरिटी। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा सिक्योर है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। जी हाँ, डेटा सिक्योरिटी एक मिथ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपको फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम जानता है। इन सोशल मीडिया को अच्छी तरह से आपकी पसंद और नापसंद के बारे में पता है। इन्हें आपके हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता रहता है। जितने भी ऑनलाइन ऐप हैं और उनकी मार्केटिंग एनालिटिकल टीम आपके परचेजिंग डेटा के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन भेजती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी लेने का मन बना रहे हैं और अपने घर वालों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कौन सा टीवी लेना है और आपके पास आपका मोबाइल है, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी शॉपिंग ऐप हैं वो आपके ऐड में टीवी ही दिखाएंगे। सोशल मीडिया को आपकी हर एक एक्टिविटी के बारे में बराबर पता रहता है और उन्हें आपकी हर आदत की भी इंफॉर्मेशन रहती है। सोशल मीडिया
एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल टूल का यूज करके ही आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। मैथमेटिक्स टूल्स का यूज करके ही आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। जब कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आता है तो साइंटिस्ट उसकी वेलोसिटी, पोजीशन और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की हेल्प से ये पता लगाते हैं कि एस्टेरॉयड का वेट, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है और अर्थ पर कब टकरा सकता है। जितनी ज्यादा आप एस्टेरॉयड की मेजरमेंट्स करेंगे उतना एक्यूरेट एस्टेरॉयड को लेकर आपकी इंफॉर्मेशन होगी। वेदर फोरकास्ट करने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट्स लिए जाने लगे, जिसकी वजह से वेदर फोरकास्ट की एक्यूरेसी बढ़ी है। 1986 में वेदर फोरकास्ट एक्यूरेसी 3 दिन तक ही रहती थी, लेकिन 2008 में ये एक्यूरेसी 3 दिन से बढ़कर 5 दिन तक की हो गई। यानी 5 दिन तक वेदर फोरकास्ट एकदम एक्यूरेट रहता था। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंसान पहले बंदर था, फिर इवॉल्व होकर इंसान बना। चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी को सभी ने माना, क्योंकि डार्विन ने अपनी इस थ्योरी में साइंटिफिक फैक्ट्स बताए थे। उन्होंने बताया कि इंसान और बंदर में काफी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों की जीन्स आपस में काफी मिलती हैं, दोनों के माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी सिमिलर है। अगर बंदर की जीन्स में चेंजेस किए जाएं तो वो इंसान बन सकता है। यानी इंसान तभी इंसान बना जब उसने अपने आप को इवॉल्व किया। अगर इंसान ने अपने आप को इवॉल्व किया तो इसका मतलब यही हुआ कि भगवान नहीं होते हैं। कभी कभी हम इस डिलाइमा में आ जाते हैं कि भगवान सच में होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि इंसान ने खुद को ही डेवलप किया है और कई सालों तक डेवलप करते हुए आज इस मॉडर्न एज पर पहुंचा है। अगर सच में भगवान होते हैं और उन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है तो उन्हें इस धरती पर इंसान भेजने की क्या ही जरूरत। अगर वाकई में भगवान है तो 1 मिलियन में से एक ही चांस होगा कि वो हम जैसे सेल्फिश करप्ट क्रीचर्स को क्रिएट करेगा। हमारे जैसे क्रीचर्स जिसके अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, उसे यकीनन भगवान तो नहीं ही बना सकते हैं। What to expect when you are expecting to win the lottery? लॉटरी का खेल पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। अगर आपका किसी पर्टिकुलर डे लक अच्छा हुआ तो आप लॉटरी जीत सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप हार सकते हैं। लॉटरी खेलना बहुत ही रिस्की है और समझदारी यही होगी कि इससे जितना दूर रह जाए उतना बढ़िया। लॉटरी की शुरुआत 17th सेंचुरी जेनेवा में हुई। जेनेवा में हर 6 महीने में किसी ना किसी चीज के लिए इलेक्शन हुआ करता था और हर इलेक्शन में कई सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते थे। वहां पर इलेक्शन लॉट के थ्रू होता था, जहां पर सिर्फ 2 स्लिप होती थी और उसमें सभी कैंडिडेट का नाम लिखा होता था। जेनेवा शहर के जो गैम्बलर होते थे वो इलेक्शन के रिजल्ट पर बैट लगाते थे। धीरे धीरे जेनेवा में इलेक्शन पर बैट लगाना इतना पॉपुलर हो गया कि इलेक्शन वोटिंग से ना होकर बैट के थ्रू होने लगे। जिस कैंडिडेट पर ज्यादा बैट लगती थी उसे ही जीता माना जाने लगा। पॉलिटिशियंस के नाम की जगह नंबर ने ले ली थी और ये बैट सिस्टम पूरा लॉटरी सिस्टम में बदल गया। देखते ही देखते लॉटरी सिस्टम पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गया और यूरोप में पॉपुलर होने के बाद लॉटरी सिस्टम नॉर्थ अमेरिका में भी फेमस हो गया था। अमेरिका में रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी सिस्टम के थ्रू ही फंडिंग जुटाई थी। लॉटरी सिस्टम के थ्रू ही अमेरिका में कई सारे डेवलपमेंट हुए। हालांकि कई लोगों ने इस चीज को काफी क्रिटिसाइज भी किया। लोगों का मानना था कि लॉटरी की वजह से लोगों में गैम्बलिंग की आदत आ जाएगी। इसके अलावा लॉटरी करप्शन और ग्रीड को भी बढ़ावा देगी। ज्यादातर लोग लॉटरी के कई सारे टिकट्स ले लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा टिकट लेकर उनके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन ज्यादा टिकट लेकर वो अपने जीतने के चांसेस को नहीं बल्कि अपने हारने के चांसेस को बढ़ाते हैं। यानी आप जितना ज्यादा लॉटरी का टिकट लेते जाएंगे उतने ही आप हारने के चांसेस को बढ़ाते जाएंगे। सपोज लॉटरी के कुल 1 लाख टिकट हैं और हर टिकट का प्राइस 10 रुपए है और जो ये लॉटरी जीतेगा उसे 6 लाख का जैकपॉट मिलेगा। यानी जो 10 लाख रुपए देकर पूरे टिकट को खरीद लेगा उसे जैकपॉट में 6 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 4 लाख रुपए का नुकसान। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घाटे का सौदा है। यानी आप जितना ज्यादा टिकट खरीदते जाएंगे उतने ही ज्यादा आप लॉस के करीब होते जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 6 लाख रुपए का टिकट लेंगे यानी 60,000 टिकट, तो आपके जीतने और हारने का रेशियो 60-40 होगा। यानी 60% चांसेस रहेंगे कि आप जीत सकते हैं और आपको लॉस भी नहीं होगा। 60,000 टिकट लेकर आप अपने हारने के चांसेस को कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं
कि आप 60,000 टिकट लेकर लॉटरी जीत जाएं। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक तरह का मैथमेटिकल नोशन है जिसका एग्जैक्ट मतलब अभी तक किसी को नहीं मालूम। हम किसी चीज की एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू कभी बता ही नहीं सकते हैं। आज आपने कार खरीदी है, कुछ सालों बाद जब आप इसे बेचने जाएंगे तो आप कभी कार की एक्सपेक्टेड वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे। आपको हमेशा अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम लगेगी और दूसरों को आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1,000 रुपए डॉग रेस में बेट लगाए। जिस डॉग पर मैंने बेट लगाई उसके जीतने के चांसेस 10% हैं। अगर डॉग रेस जीत जाता है तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर डॉग रेस हार जाता है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 10% मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपीज प्लस 90% मल्टीप्लाई बाय 0 रुपीज इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1,000 रुपए ही होगी। जब भी हम ऐसी कोई बेट लगाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू उतनी ही होती है जितने रुपए की हम बेट लगाते हैं। हम यही उम्मीद लगाते रहते हैं कि अगर हम जीत ना पाए तो कम से कम हमें बेट में लगाए हुए पैसे ही मिल जाएं। किसी भी चीज की अगर हम राइट प्राइस पता करना चाहें तो हम उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू के ही थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे कि डॉग रेस में हमें किसी भी चीज की सर्टेन वैल्यू नहीं पता। ऐसे ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की हेल्प से डॉग रेस की वैल्यू और प्राइस का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप किसी भी चीज के प्राइस को बढ़ाते जाते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जब बढ़ती जाती है तो हारने के चांसेस भी ज्यादा होते जाते हैं। रही बात लॉटरी की, तो अगर आप लॉटरी में जीतने के परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं तो आप कम से कम टिकट लें। जितना कम टिकट उतने चांसेस ज्यादा जीतने के। कम टिकट लेने का एक फायदा ये भी होगा कि आपको नुकसान भी कम होगा। अगर आप ज्यादा फायदा नहीं कर सकते हैं तो अपना नुकसान ही कम कर लें। वैसे बैटिंग और गैम्बलिंग से हमें दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर आप बैटिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं तो आप ज्यादा बैट या ज्यादा लॉटरी टिकट लेने के चक्कर में ना रहें। आप हमेशा कम ही बैट लगाएं। कम बैट लगा के आपके जीतने के परसेंटेज हाई रहेंगे। मिस मोर प्लेन्स। 1982 में इकोनॉमी में नोबेल प्राइज पाने वाले इकोनॉमिस्ट जॉर्ज स्टिगलर का मानना है कि अगर आपने कभी अपनी फ्लाइट मिस नहीं की तो इसका ये मतलब हुआ आप अपना ज्यादा वक्त एयरपोर्ट पर बिताते हैं। जॉर्ज स्टिगलर की इस बात का अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूटेशन करें तो हमें ये बात बिल्कुल सही लगेगी। इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है फ्लाइट टेक ऑफ करने की जो टाइमिंग है उसे 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, तो 2% चांसेस हैं कि आपकी फ्लाइट मिस होगी। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट टेक ऑफ करने से 1.5 घंटे पहले ही आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, तो 5% चांसेस हैं कि आपकी फ्लाइट मिस होगी। तीसरा ऑप्शन है आप फ्लाइट टेक ऑफ करने के 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएं, तो ऐसे में 15% चांसेस हैं कि आपकी फ्लाइट मिस होगी। फ्लाइट मिस करना टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बुरा है, क्योंकि फ्लाइट मिस करके आप अपना फाइनेंशियल नुकसान कराते हैं। आपका खरीदा हुआ टिकट पूरा वेस्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड इकोनॉमी स्टोरी कहती है कि जब हम लॉजिकली या रेशनली एक्ट करते हैं तो उस वक्त हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती है। देखा जाए तो लाइफ में हर चीज की यूटिलिटी होती है। अच्छी चीज की पॉजिटिव यूटिलिटी होती है, जैसे पैसा या केक, और खराब चीजों की नेगेटिव यूटिलिटी होती है, जैसे फ्लाइट मिस करना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूटिलिटी को मेजर भी करते हैं और उसके लिए बकायदा उन्होंने यूनिट भी बनाई है जिसे यूटिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर में 1 घंटा बिताया है तो मतलब आपने 1 यूटिल वक्त बिताया है। यानी इस हिसाब से फ्लाइट टेक ऑफ करने से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने का मतलब ये हुआ कि आपने 2 यूटिल वक्त स्पेंड किया है। अगर हम हर चीज को यूटिल में कन्वर्ट करें और यूटिल की हेल्प से हम 3 ऑप्शंस का दोबारा से रिव्यू करें तो हम ये देखेंगे कि पहले ऑप्शन में जहां 2% चांसेस थे फ्लाइट मिस करने के, वहां पर हम 2.2 यूटिल स्पेंड करेंगे। दूसरे ऑप्शन में जहां पर 5% चांसेस थे फ्लाइट मिस करने के, वहां पर हम 1.8 यूटिल खर्च करेंगे। तीसरे ऑप्शन में जहां पर 15% चांसेस थे फ्लाइट मिस करने के, वहां पर हम 1.9% यूटिल खर्च करेंगे। अगर हम 3 ऑप्शन को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि ऑप्शन 2 में कम यूटिल स्पेंड हुआ है। फ्लाइट मिस करना पेनफुल जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसके लिए 1.5 घंटा अपना एयरपोर्ट पर बर्बाद करें। हो सकता है कि आप ये कहें कि फ्लाइट मिस करने से अच्छा है कि एयरपोर्ट पर ही 1.5 घंटा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी आप गलत नहीं होंगे।
क्योंकि मैथमेटिकली सॉल्व करके हमने देखा कि 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करके हम कम यूटिल स्पेंड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लाइट मिस ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो आप 1.5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं। यूटिल एक हेल्पफुल टूल है। इसकी मदद से हम ऐसे आइटम्स के बारे में डिसीजन ले सकते हैं जिनकी वेल डिफाइंड डॉलर वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट किया हुआ टाइम, खराब और सड़ा हुआ खाना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिनकी वेल डिफाइंड डॉलर वैल्यू भी होती है, जैसे खुद डॉलर। यूटिल एक हेल्पफुल टूल है। इसका रियलाइजेशन तब हुआ जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी अपने अर्ली डेवलपमेंट में थी। देखा जाए तो पैसा भी एक यूटिल ही तो है। आप जितने पैसे स्पेंड करेंगे उतनी बेहतर चीजें आपको मिलेंगी। आज के इस दौर में हम पैसे से हर काम करवा सकते हैं। आपका कोई काम रुका हो, आप पैसे दें, आपका काम तुरंत बन जाएगा। इस यूटिल यानी पैसे को लोगों ने इतना ज्यादा भाव दे दिया है कि लोग अब सिर्फ पैसे से ही दूसरे को जज करने लगे हैं। पैसे की वजह से आज लोग बेईमान होते जा रहे हैं और बेईमानी की वजह से ही लोगों को मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। मजे की बात यह है कि मेंटल पीस पाने के लिए लोग और ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा कम्फर्ट होगा। आप पैसे कमाने के लिए भागिए, लेकिन पैसे के पीछे बिल्कुल भी ना भागिए। Where the train track meets, parallel lines की properties के बारे में हम सबने पढ़ा ही होगा। Parallel lines कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती हैं, यानी ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। लेकिन जब हम railway track को horizon की तरफ से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि parallel lines आपस में मिल रही हैं। इस phenomena को हम perspective कहते हैं। Perspective यानी 3-dimensional world को 2-dimensional vision में देखना। जिसने भी इस फिनोमिना को सबसे पहले देखा होगा, उसे सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना पड़ा होगा कि चीजें समझने में अलग होती और दिखने में अलग होती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जहां पर हम चीजों को समझने और देखने में गलती कर जाते हैं। जैसे रस्सी अंधेरे में हमें सांप नजर आने लगती है। सही मायने में देखा जाए तो एक पेंटर ही है जो चीजों को समझने और देखने में डिफरेंशिएट कर पाता होगा। जब हम पहली बार किसी फेमस पेंटर की पेंटिंग को देखेंगे तो आपको उसकी पेंटिंग एक नॉर्मल पेंटिंग सी लगेगी और आप सोचेंगे कि इस तरह की पेंटिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप पेंटिंग के बारे में पेंटर से पूछेंगे तो आपको वो पेंटिंग का सही मतलब बताएगा। वो आपको ये बताएगा कि वो अपनी पेंटिंग से क्या बताना चाह रहा है, उसका विजन क्या है। पेंटर से पूछने के बाद पेंटिंग को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। आप उसे दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखने लगेंगे और अगली बार जब आप पेंटिंग देखने आएंगे तो आप उस पेंटिंग को नॉर्मल पेंटिंग की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ढूंढने की कोशिश करेंगे। साइंस में हमने ये पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के सामने इमेज बनाती है और इसी की वजह से हम कलर को देख पाते हैं। हम कलर के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी सही से देख ही ना पाए। आज के दौर में जिसने साइंस पढ़ी है उसे ये कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन पहले जमाने के लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था। फिलोसफर प्लेटो का मानना था कि हम कलर इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखें अपने अंदर छोटे छोटे आग के गोले छोड़ती है और उन्हीं आग के गोले की वजह से हम कलर को देख पाते हैं और पहचान पाते हैं। सीरियन मैथमेटिशियन अबू अली अल हसन इबन अल हदम ने 11th सेंचुरी में थ्योरी ऑफ विजन बाय रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में काफी डिटेल में बताया था। इसके अलावा अबू अली की लिखी बुक किताब अल मनाजीर में इन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में भी काफी कुछ एक्सप्लेन किया था। बाद में इनकी किताब को लैटिन में ट्रांसलेट भी किया गया और इनकी किताब को पढ़कर कई फिलोसफर और आर्टिस्ट को ये समझ आने लगा कि ऑब्जेक्ट को देखना और उसे समझना दो अलग अलग चीजें होती हैं। रेलवे ट्रैक के केस में यही होता है। हमें लगता है कि रेलवे ट्रैक आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कभी नहीं मिलते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट डिस्टेंस से अपनी आई लेवल पर देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल फॉर्म में दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर होने लगता है उसके फॉर्म में आपको चेंजेस नजर आने लगते हैं। कभी ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देता है तो कभी ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देने लगता है। कभी आपको ऑब्जेक्ट मल्टी कलर दिखाई देने लगता है तो कभी आपको ऑब्जेक्ट बस एक या दो ही कलर में नजर आता है। जब हम रेलवे ट्रैक को पास से देखते हैं तो उसे हम प्रोजेक्टिव प्लेन कहते हैं। वही जब हम रेलवे ट्रैक को दूर से देखते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। अगर हम प्रोजेक्टिव प्लेन की बात करें तो हमें इसमें कई सारे डिफेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन प्रोजेक्टिव प्लेन की वजह से ही ज्योमेट्री के रूल्स एग्रीएबल हो गए हैं।
मैथ्स में हमें रूल्स पसंद होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रोजेक्टिव प्लेन के केस में हमें रूल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं करना होता है। देखा जाए तो प्रोजेक्टिव प्लेन को दो एक्सियोम्स रूल गवर्न करते हैं। पहला रूल, पेयर ऑफ पॉइंट एक कॉमन लाइन पर ही रिस्ट्रेन रहता है, यानी एक ही लाइन में अलाइन रहता है। दूसरा रूल, हर पेयर ऑफ लाइंस का एक ही कॉमन पॉइंट होता है। शुरू में सिर्फ यही दो रूल्स थे। जैसे जैसे मैथ्स इवॉल्व होती जा रही थी, रूल्स भी बढ़ते जा रहे थे। कुछ रूल्स छोटे थे तो कुछ रूल्स बड़े थे। मैथ्स और साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट लॉजिक पर बेस्ड हैं। आज अगर आप पाइथागोरस थ्योरम या फिर आर्किमेडिस प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आने वाली जनरेशन भी यही पढ़े। हो सकता है तब कोई नई थ्योरम आ जाए जो पाइथागोरस थ्योरम से बेहतर हो, या कोई नया प्रिंसिपल आ जाए जो आर्किमेडिस के प्रिंसिपल से बेहतर हो। मैथ्स में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए ये हमारी लाइफ में आगे भी यूजफुल रहेगा। द ट्रम्प ऑफ मीडियोक्रिटी। 1930 में अमेरिका में रिसेशन का दौर आ गया था। इकोनॉमी डूब रही थी। लोगों के बड़े बड़े बिजनेस बंद होने की कगार पर आ चुके थे। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रिसेशन की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी की कमी बता रहे थे। ब्यूरो फॉर बिजनेस रिसर्च के डायरेक्टर और स्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर हॉरिस सैक्रिस्ट, जो कि एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड टू बिजनेस के एक्सपर्ट, और इन्होंने कई सारी टेक्स्ट बुक स्टैटिस्टिक्स पर लिखी हैं। 1920 में आए हुए रिसेशन की इन्होंने काफी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स स्टडी की है। छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक सभी का स्टैटिस्टिक्स सैक्रिस्ट ने निकाला था। सैक्रिस्ट ने 1920 के दौरान ज्यादातर बिजनेस की एक डेटा टेबल बना ली थी, जिसमें सभी बिजनेस की सेल्स, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स लिखे हुए थे। इन्हीं डेटा के बेस पर ये पता लगाने की कोशिश की थी कि क्यों 1920 के दौरान कई सारे बिजनेस फेल हुए और रिसेशन आने की वजह क्या थी। जब 1933 में हॉरिस सैक्रिस्ट ने अपने इस रिसर्च को पूरा कर लिया और अपने रिसर्च को पब्लिक के सामने रखने की कोशिश की, तो ज्यादातर लोग इस रिसर्च को पढ़ने और सुनने के लिए एक्साइटेड थे। सैक्रिस्ट ने इस रिसर्च को 498 पेज में पूरा किया और बाद में इस रिसर्च को बुक के तौर पर पब्लिश किया और इसका नाम रखा द ट्रम्प ऑफ मेडियोक्रिटी इन बिजनेस। अपने इस रिसर्च में सैक्रिस्ट ने बताया कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस में मेडियोक्रिटी बहुत ही ज्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से कई बिजनेस अपने कॉस्ट और प्रॉफिट को सही तरीके से नहीं निकाल पा रहे। इसी कंपटीशन की वजह बिजनेस में फ्रीडम खत्म होती जा रही है। आज के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को ये समझ में नहीं आया कि आखिर सैक्रिस्ट इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। इसकी यही वजह है कि सैक्रिस्ट ने बहुत ही स्ट्रेटिफाइड तरीके से हर सेक्टर के बिजनेस को अलग किया और हाई इनकम लो एक्सपेंसेस बिजनेस को भी सेग्रीगेट किया। क्लोथिंग बिजनेस को स्टडी करने के लिए सैक्रिस्ट ने टोटल 120 क्लोथिंग शॉप पर स्टडी की और उनके रेशियो ऑफ सेल्स टू एक्सपेंस के बेसिस पर उनकी रैंकिंग की। इसके बाद 120 क्लोथिंग स्टोर को 6 ग्रुप में बांट दिया गया और हर ग्रुप में 20 शॉप इंक्लूड की गई और इन 6 ग्रुप को सेक्सटाइल का नाम दिया गया। इन सेक्सटाइल की स्टडी में ये पाया गया कि जो सेक्सटाइल बड़े थे, यानी जो शॉप नामी गिरामी थी, उनकी सेल्स में गिरावट आ रही थी। वो छोटी शॉप के मुकाबले अपना एडवांटेज खो रहे थे। हाई प्राइस की वजह से लोग इन शॉप से कपड़े नहीं खरीद रहे थे और इन शॉप्स पे कपड़ों के हाई प्राइस इसलिए थे क्योंकि इनके एक्सपेंसेस ज्यादा थे। वहीं जो सेक्सटाइल छोटे थे, यानी छोटी शॉप, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। लोग इन शॉप पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे। हालांकि ये शॉप भी एवरेज परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन अगर बड़ी शॉप और छोटी शॉप के एवरेज परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि छोटी शॉप एवरेज परफॉर्मेंस करके भी बड़ी शॉप से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। यानी मेडियोक्रिटी है ट्रम्प। सैक्रिस्ट ने ये फिनोमिना हर टाइप के बिजनेस में पाया। कुछ साल बाद सैक्रिस्ट के इस डेटा को रिव्यू किया गया एक इकोनॉमिस्ट ने, जिसका नाम था हेरोल्ड हॉटलिंग। हेरोल्ड हॉटलिंग ने जर्नल ऑफ अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जहां पर इन्होंने सैक्रिस्ट के रिसर्च को क्रिटिसाइज किया। हालांकि हॉटलिंग ने सैक्रिस्ट की डेटा कलेक्ट करने की मेहनत को काफी प्रेज किया, लेकिन सैक्रिस्ट के रिसर्च को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सैक्रिस्ट का ये डेटा सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जहां पर बिजनेस के रेशोस को निकाल कर उनके कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। हॉटलिंग का रिव्यू पोलाइट वे में था, लेकिन फर्म था। सैक्रिस्ट के रिसर्च को देखकर हॉटलिंग गुस्सा कम लेकिन दुखी ज्यादा थे। हॉटलिंग अपने बाकी कलीग्स को यही बताना चाह रहे थे
कि किस तरह से सेक्रिस्ट ने इस सिंपल से रिसर्च को करने में अपने कई साल वेस्ट किए। जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, लोग आपसे उम्मीदें लगाए रहते हैं, इसलिए कभी कभी आपको छोटी छोटी चीजों को बढ़ाकर बताना पड़ता है। सेक्रिस्ट के साथ भी शायद यही हुआ होगा। लोग उनसे उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद सेक्रिस्ट हमें रिसेशन की वजह बता सके, और पब्लिक के प्रेशर को सेक्रिस्ट ने भी फील किया ही होगा, और शायद इसी प्रेशर का नतीजा है कि सेक्रिस्ट को सिंपल सी बात को बड़े ही फैंसी ढंग से कहना पड़ा। यहाँ पर हमने देखा कि सेक्रिस्ट ने मैथमेटिकल टूल्स का बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने अपने मैथमेटिकल टूल्स को सही तरह से अप्लाई नहीं किया। अगर वो सही से अप्लाई करते तो शायद हॉटलिंग उन्हें क्रिटिसाइज ना करते। दोस्तों, मैथमेटिक्स का यही खेल, अगर आप इसे सही तरह से यूज करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसका सही यूज नहीं किया तो कोई ऐसा जरूर होगा जो आपके मैथमेटिकल एरर को पकड़ लेगा। गैल्टन्स एलिप्स। हमारे अंदर जो भी आदतें होती हैं वो हम अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, फेस शेप, हेयर, हाइट, ये सब हमारे पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हैं, यानी ये सब हमारी हेरिडेटरी की वजह से ही होता है। फ्रांसिस गैल्टन एक स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने हेरिडेटरी के इफेक्ट पर काफी रिसर्च किया और एक रिग्रेशन डेटा भी निकाला। गैल्टन ने अपने डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया था। इफेक्ट ऑफ हेरिडेटरी को करने के लिए गैल्टन ने कई फादर सन के पेयर को लिया और उनके जो भी स्टेचर थे, जैसे हाइट, हेयर, कलर, इन सबको ग्राफ के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट किया था। फॉर एग्जांपल, अगर फादर की हाइट 6 फीट और सन की भी हाइट 6 फीट है तो गैल्टन के ग्राफ पर इसे 72-72 लिखा जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में 72 और वाई कोऑर्डिनेट में 72। गैल्टन अपने ग्राफ में हर स्टेचर को अलग अलग मेंशन करते थे और उसी हिसाब से स्टेचर को कंपेयर करते थे। गैल्टन कंपैरिजन करके ये देखते थे कि फादर और सन में कितनी सिमिलैरिटीज हैं और किस हद तक हैं, यानी सिमिलैरिटीज कितनी क्लोज हैं। गैल्टन ने अपने इस ग्राफ का नाम स्कैटर प्लॉट रखा। स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम दो वेरिएबल्स के रिलेशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे कॉलम्स और रोज देखने में तकलीफ होती है, लेकिन हमारा दिमाग पैटर्न को बहुत ही आसान तरीके से पहचान लेता है। स्कैटर प्लॉट में जब फादर और सन के स्टेचर के डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें हर एक फादर और सन की हाइट सेम हो, यानी एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो, तो ग्राफ एक सीधी लाइन में ही आएगा। लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बिल्कुल अलग अलग होंगे तो स्कैटर प्लॉट ग्राफ में सिर्फ आपको डॉट ही डॉट नजर आएगा। स्कैटर प्लॉट ग्राफ के डॉट को जब आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा जिस जिस फादर की हाइट 6 फीट 1 इंच है, यानी 73 इंच है, वो स्कैटर प्लॉट के राइट साइड होंगे। वहीं जो डॉट सन की हाइट 5 फीट 9 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सेम साइड आएगा। सन की हाइट की जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो फादर की हाइट की अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम इसे बिल्कुल इजी वर्ड्स में कहें तो स्कैटर प्लॉट ग्राफ के थ्रू हमने ये समझा कि जिस फादर की हाइट 6 फीट 1 इंच है उसके सन की एवरेज हाइट 5 फीट 9 इंच होगी। वहीं जिस फादर की हाइट 5 फीट 6 इंच है उसके सन की एवरेज हाइट 6 फीट तक हो सकती है। जब गैल्टन स्कैटर प्लॉट ग्राफ को बना रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने जो भी कर्व अपने हाथ से बनाया है वो एलिप्स की ही तरह दिखता है। ऐसा भी हो सकता है कि गैल्टन का स्कैटर प्लॉट ग्राफ गलत हो। अगर गलत हो भी जाता है तो वो पहले साइंटिस्ट नहीं होंगे कि जिनका कोई एक्सपेरिमेंट गलत हुआ हो। वैसे अभी तक तो गैल्टन के एक्सपेरिमेंट को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। खैर, गैल्टन की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च को सिर्फ ग्राफ के थ्रू कर दिखाया। ज्यादातर जिन पेरेंट्स की हाइट एवरेज या कम होती है उनके बच्चों की हाइट अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा ही होती है, और जो लंबे पेरेंट्स होते हैं उनके और उनके बच्चों के बीच का हाइट डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। इस चीज को अगर अपने देसी एग्जाम्पल से समझें तो आप ये देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और सैफ अली खान, इन सबके बच्चे इनसे कहीं ज्यादा लंबे हैं, यानी इनकी और इनके बच्चों की हाइट के बीच का डिफरेंस लगभग 6 से 8 इंच का है। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हाइट का डिफरेंस निकालें तो शायद उनके बीच का डिफरेंस 1 या 2 इंच का ही होगा। जितने ही कम हाइट के पेरेंट्स उतना ही ज्यादा चांसेस है कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा लंबे होंगे। लंग कैंसर मेक यू स्मोक सिगरेट्स। स्मोकिंग एक ऐसी आदत है जो लगती बड़ी चलती है लेकिन छूटने में इसे बहुत वक्त लग जाता है। अगर आप लोगों से पूछें कि वो स्मोक क्यों करते हैं
तो लोगों का जवाब अलग अलग होगा। कोई स्मोक इसलिए करता है क्योंकि उसे स्मोकिंग करने का शौक है, और कोई स्मोक इसलिए करता है क्योंकि स्मोकिंग करने से उसकी टेंशन दूर होती है। यानी हर किसी के पास स्मोकिंग करने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अगर हम इस बात को मैथमेटिकल वे में कहें तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन है, दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अक्सर जब आप दो बाइनरी वेरिएबल को कंपेयर करते हैं तो आपको कोरिलेशन ही मिलता है। बाइनरी वेरिएबल में हमेशा दो वैल्यूज होती हैं और इसमें हमेशा आंसर यस और नो में ही मिलता है। जैसे क्या आप स्मोक करते हैं, क्या आप मैरिड हैं, इन सवालों का जवाब आप हाँ या ना में ही देते हैं। इन दोनों वेरिएबल्स को जब कोरिलेट करके देखा गया तो ये पाया गया कि जो मैरिड होते हैं वो कम स्मोक करते हैं, या इसे दूसरी तरह से समझें तो जो सिंगल होते हैं वो ज्यादा स्मोक करते हैं। मैरिड लोग में स्मोकर का जो प्रपोर्शन है वो सेम उसी तरह से है जितने प्रपोर्शन में पूरी दुनिया के स्मोकर हों। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें कि अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में 50% लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसी तरह मैरिड लोगों में से भी 50% लोग ही स्मोकिंग करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मोकिंग और मैरिज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बाइनरी वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हो, या यूं कहें कि हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस दे रहे हैं, और नल हाइपोथेसिस का जिक्र हमने एपिसोड 8 में किया था। अगर हम स्मोकिंग और मैरिज वेरिएबल में फैक्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर हम इस फैक्ट को एक्सप्रेस करें तो हम ये कहेंगे कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपकी मैरिज होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को बदल कर देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपकी शादी होगी ही नहीं। यानी अगर आप किसी इंडिकेटिव मूड को सब्जंक्टिव मूड में चेंज करते हैं तो पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। कोरिलेशन और कॉसेशन की अंडरस्टैंडिंग को अगर हम समझें तो इसको समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कॉसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के होने के पीछे की वजह हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना इसलिए खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। लेकिन अगर हम दोनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहले सेंटेंस में एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था जबकि दूसरे सेंटेंस में कॉसेशन था। कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हमारा इंट्यूशन अच्छे से काम करता है, वहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हमारा इंट्यूशन काम ही नहीं करता है। जब हम ये कहते हैं कि HDL कोरिलेटेड है लोअर हार्ट अटैक के रिस्क से, तो हम यहाँ पर एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि ये बात पूरी तरह से प्रूवन है और सच है। अगर हम लंग कैंसर और स्मोकिंग इन दोनों बाइनरी वेरिएबल को कोरिलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिनको लंग कैंसर होता है वो स्मोकर ही होते हैं। यानी हर स्मोकिंग करने वाले को लंग कैंसर नहीं होता, लेकिन लंग कैंसर का पेशेंट स्मोकिंग जरूर करता है। हो सकता है आपको ये बात ऑब्वियस लगे, लेकिन इस बात को हम क्लोजली समझें तो हमें ये मालूम होगा कि जिनको लंग कैंसर होता है उनके अंदर पहले से ही कहीं ना कहीं लंग कैंसर का बहुत ही छोटा सा सिम्टम्स होता है। अगर वो स्मोकिंग ना भी कर रहे होते तो भी उनको लंग कैंसर होता ही। इसलिए जरूरी नहीं कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको लंग कैंसर हो। लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये कैंसर सिर्फ स्मोकर के लिए ही नहीं बना है। अब इस कोरिलेशन का फायदा उठाकर आप अपनी स्मोकिंग की कैपेसिटी को बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि स्मोकिंग से अगर आपको लंग कैंसर नहीं होगा तो और डिजीज जरूर हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़िए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। देयर इज नो सच एज थिंग पब्लिक ओपिनियन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक का रोल बहुत ज्यादा क्रूशल होता है, क्योंकि पब्लिक ये डिसाइड करती है कि उसे कौन गवर्न करेगा। यानी पब्लिक के पास ये राइट होता है कि वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने। आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हो, एज अ सिटीजन आप यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी विल और वांट की रिस्पेक्ट करे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक सिटीजन अपनी गवर्नमेंट से एक्चुअल में क्या चाहता है? ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए पोल की जरूरत पड़ती है। जनवरी 2011 में CBS एजेंसी ने एक पोल कराया था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरल बजट के डेफिसिट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। इस पोल में 77% लोगों का मानना था कि फेडरल बजट के डेफिसिट को कम करने के लिए स्पेंडिंग को कंट्रोल करना चाहिए और जितना हो सके इसे कम करना चाहिए, जबकि 9% का मानना था कि फेडरल बजट के डेफिसिट को कम करने के लिए टैक्स बढ़ा देना चाहिए। फरवरी 2011 में प्यू रिसर्च ने एक पोल कराया था जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट की 13 स्पेंडिंग कैटेगरीज के बारे में सभी अमेरिकन से पूछा गया था। इस पोल के अकॉर्डिंग 11 गवर्नमेंट कैटेगरीज ऐसी थीं
जिसमें ज्यादातर अमेरिकन स्पेंडिंग बढ़ाने के फेवर में थे। वहीं टू कैटेगरी फॉरेन एड और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ऐसी थीं जिसे सिर्फ 5% अमेरिकन चाहते थे कि स्पेंडिंग बढ़े। चलिए हम पहले वाले पोल की बात करते हैं और ये मान लेते हैं कि 1/3 ऑफ इलेक्टोरेट यानी एक तिहाई पोल में पार्टिसिपेट करने वाले लोग ये कहते हैं कि स्पेंडिंग को कट ना करके टैक्स बढ़ाने से डेफिसिट को कंट्रोल किया जा सकता है, और बाकी 1/3 ऑफ इलेक्टोरेट ये कहते हैं कि डिफेंस की स्पेंडिंग को कट करके बजट के डेफिसिट को पूरा किया जा सकता है, और 1/3 ये कहें कि गवर्नमेंट से मिलने वाली मेडिकल बेनिफिट्स को कट करके बजट के डेफिसिट को कंप्लीट किया जाए। अगर हम इस पोल को अटेंटिवली समझें तो हम ये देखेंगे कि इलेक्टोरेट का दो ग्रुप ऐसा है जो स्पेंडिंग कट करने की बात कह रहा है और एक ग्रुप ऐसा है जो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी कुल मिलाकर 67% लोग स्पेंडिंग कट करने के फेवर में है और 33% लोग टैक्स बढ़ाने के फेवर में है। अगर इस पोल से हम ये पूछ लें कि स्पेंडिंग कट करनी चाहिए या फिर टैक्स बढ़ाना चाहिए तो हम देखेंगे कि कटर वाला ग्रुप इस पोल में जीत जाएगा। इसी पोल की अगर एक लेयर और कम कर दें, यानी इस पोल में हम ये पूछ लें कि किसी चीज की स्पेंडिंग कट की जाए, डिफेंस की या मेडिकल की, तो ऐसे में टैक्स बढ़ाने वाले लोगों में डिविजन आ जाएगा। यानी 33% लोग या तो डिफेंस स्पेंडिंग कट के फेवर में होंगे या फिर मेडिकल स्पेंडिंग कट के फेवर में होंगे। इस तरह हम इस पोल में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग पोजीशन देखेंगे। इस स्पेंडिंग में कट तो चाहते हैं लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि फंडिंग भी आती रहे, टैक्स भी बढ़ा दिया जाए। इस पोल का ये मतलब नहीं हुआ कि पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक को कुछ पता नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की संगत में आकर पब्लिक भी बहुत ही समझदार हो गई है। मेजॉरिटी रूल्स का सिस्टम बहुत ही फेयर और सिंपल है और ये बेस्ट रिजल्ट तभी देता है जब हमें किन्हीं दो ऑप्शन में से एक को चुनना होता है, और जैसे ही एक से ज्यादा ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो फिर वहीं से कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो कई सारे कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग कंफ्यूज हों और किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले। कई बार ऐसा भी होता है जहां पर किसी एक पार्टी का दबदबा ज्यादा हो, वहां पर वोट काटने के लिए कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारा जाता है ताकि लोग किसी एक पार्टी को एक तरफा वोट ना दें और लोगों में वोट देने के दौरान कॉन्ट्रडिक्शन आने लगे। देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को इसलिए रखती है ताकि पब्लिक को ये लगे कि उसकी गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव है और वो अपने पब्लिक के बारे में सोच रही है। देखा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। आउट ऑफ नथिंग आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रेंज यूनिवर्स। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो अपने पसंद के लीडर को चुन सके, भले ही वो लीडर डिजर्विंग हो या नहीं। देखा जाए तो डेमोक्रेसी सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी सिस्टम में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एज अ सिटीजन हमारे पास ये पावर है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स का सही यूज करें। अगर हम राइट्स की बात करें तो राइट्स हमें हर फील्ड में मिलने चाहिए। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी हमें राइट्स मिलने चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हमें हॉस्पिटल में भी राइट्स मिलने चाहिए, और ये सभी राइट्स को प्रैक्टिस करने का रूल और प्रोसीजर होना चाहिए। जब हमें इन चीजों में राइट्स मिलते हैं तो हमें कई सारे सच के बारे में पता चलता है और कई रूल्स और प्रोसीजर के बारे में भी मालूम होता है। सच एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी लोग जानना चाहते हैं। हम सभी लोग हर चीज के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इसके अलावा हम हमेशा जस्टिस और राइट्स की भी बात करते रहते हैं, लेकिन जब बात क्रिमिनल लॉ की होती है तो हम जस्टिस और राइट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो क्रिमिनल होता है उसे सजा मिलती ही नहीं है, और जो इनोसेंट होता है उसे सजा मिल जाती है। अब ऐसे केस में हमें समझ में नहीं आता कि जस्टिस के साथ जाएं या फिर रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करें। इसको हम इस तरह से समझते हैं, आप एक इनोसेंट इंसान हैं, लेकिन आपको किसी के मर्डर के केस में फंसा दिया जाता है और आप पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। सभी को ये मालूम है कि आपने मर्डर नहीं किया है, यहाँ तक कि जज को भी अंदाजा रहता है कि आपने मर्डर नहीं किया है, लेकिन फिर आपको उस वक्त जस्टिस नहीं मिलता है। कोर्ट में आपकी पेशी होती है और कई सारे सबूत दिए जाते हैं जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि आपने मर्डर नहीं किया था। यानी कोर्ट के रूल और प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। जब सारे सबूत पेश कर दिए जाते हैं
तब कहीं जाकर आपको जस्टिस मिलता है, यानी जिस राइट्स और रूल्स और प्रोसीजर को आप वकालत यानी फेवर कर रहे थे वो आपके सही से काम नहीं आया। क्रिमिनल लॉ में या तो जस्टिस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या फिर रूल्स और प्रोसीजर से। अगर आप जज हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जानकर भी कि सामने वाला इनोसेंट है। जज और जस्टिस ये दोनों ही लॉ के सर्वेंट हैं। जज एम्पायर की ही तरह होते हैं, जैसे एम्पायर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाता है, ठीक उसी तरह जजेस भी कोई लॉ और प्रोसीजर नहीं बनाते हैं। उन्हें तो लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और साथ में ये भी देखना होता है कि दूसरे इस लॉ और प्रोसीजर को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और वैसे भी आप भी कोर्ट जस्टिस देखने जाते हैं, जज को नहीं। लेकिन देखा जाए तो कई स्पोर्ट्स में एम्पायर को कई सारे राइट्स दिए जाते हैं, जैसे अगर कोई डिसीजन एम्पायर को समझ में नहीं आ रहा तो वो टीवी रिप्ले का यूज करके अपना एक फर्म डिसीजन बना सकता है, इससे एम्पायर गलत डिसीजन लेने से बच सकता है। ठीक इसी तरह हमें जज को भी कुछ राइट्स देने चाहिए। अगर जज कन्फर्म है कि किसी इंसान को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो जज के पास कुछ ऐसे राइट्स हों जिसका इस्तेमाल करके वो इनोसेंट को बचा सके, वो भी बिना किसी रूल और प्रोसीजर के। इससे इनोसेंट जो होगा वो तो बच ही जाएगा, इसके अलावा उसका टाइम भी बचेगा। वैसे जस्टिस की डिमांड हर कोई करता है, लेकिन आज के दौर में जस्टिस मिलना वाकई में बहुत मुश्किल है। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम या यूं